गौतम चीमा ने क्रिस्पी खैरा नू छेड़िया, छेड़छाड़ की उदे नाल। ये परचा जिला मोहाली दे मटौर थाने दर्ज होया। वरिंदर उन्हें सीधे दोष ला रहे ने कि क्रिस्पी 100 करोड़ रुपया इकट्ठा करके कनेडा फरार हो गई है। ते क्रिस्पी का कहना है कि चीमा एक IPS अधिकारी है, असरदार अधिकारी है, उदी मार दा मैनू डर है, मैनू मरवा तक सकता हो। सौ करोड़ की ठगी की कोई FIR दर्ज है 300 विद्यार्थियों वालों, तो मैं दिखाई जाए। चीमा इन्ना असरदार, क्रिस्पी करोड़ा लैके कनेडा फरार। साड़ी एक खास पेशकश देखण वालियां दा बलजीत मरवाह वालों स्वागत। सो चीमा ते क्रिस्पी जिन्हां नू थोड़ा पिछे जे आपां लै जाइए, पिछल झात मारीए, जिहड़े इन्हां दोनों नाम तो जाणू होणगे, तकरीबन 9 साल पुरानी गल है जदों ये नाम बड़े चर्चा च आए सन पंजाब दे विच, तां समझ गए होणगे की गल हो रही है। कोई सोच रहा होना कोई चीमा यह मंत्री है या कोई ये IPS अधिकारी है या कोई IAS अफसर है या होर कोई है, तो क्रिस्पी कौन है? गल कर रहे हैं क्रिस्पी खैरा। मशहूर हुई सी कुड़ी इमीग्रेशन कारोबारी के तौर पर दविंदर सिंह गिल या कहिए दविंदर सिंह थापा दी घरवाली। दविंदर उही जिदा राजपुरा तो भाजपा के कई दहाकों तक विधायक रहे, राज खुराना दे नाल नाम जुड़िया सी। सो 2014 दे विच शुरू होया सिलसिला, उदों बहुत ज़्यादा तूल फड़ गया सी जदों एक गल सामने आई सी कि उस वेले दे IPS जो अज भी पंजाब दे विच IPS ने, 2031 उन्हां दी रिटायरमेंट होनी है, अजकल वो इंस्पैक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने गौतम चीमा ने क्रिस्पी खैरा नू छेड़िया, छेड़छाड़ की उदे नाल। ये परचा जिला मोहाली दे मटौर थाने दर्ज होया। ते मैक्स हस्पताल चों क्रिस्पी दे घर वाले दविंदर गिल नू अगवा करन दी कोशिश कीती। ये परचा फेज़ 1 जिला मोहाली दे थाने विखे दर्ज होया सी। इस ते स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनी। उस वेले शशि प्रभा द्विवेदी जिहड़े ने से उस टीम दे हैड सीगे, उन्होंने अगवा वाला केस सारा रीकंस्ट्रक्ट भी कीता सी, सीन ऑफ क्राइम भी होया सी। उस तो बाद मामला पुलिस दे उच्च अधिकारियों तक ते कोर्ट दे विच चला गया। अज ये मामला एकदम नवे तरीके नाल दोबारा उठिया। वकील वरिंदर सिंह, वकील नितिश वासुदेव ते वकील गुरप्रीत सिंह चंडीगढ़ विच अज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ने कि क्रिस्पी 100 करोड़ रुपए की ठगी करके 300 विद्यार्थियों के नाल उन्होंने बाहर भेजण दे सब्ज बाग दिखा के कनेडा फरार हो गई है। तो आबूधाबी विच नवी इमीग्रेशन कंपनी खोल ली है। हालांकि पहला चर्चा रहिंदी सी कि वक्खो वक्ख नाम ते क्रिस्पी दियां चंडीगढ़ दे विच, मोहाली दे विच कई इमीग्रेशन कंपनियां चलदियां ने। और इन्हां वकीलां दा दावा है कि एड्डी वड्डी ठगी मारन तो बाद वो POV डिकलेयर है चंडीगढ़ पुलिस वल्लों, उहदा लुकआउट सर्कूलर भी जारी है। इस दे बावजूद वो कनेडा किवें पहुँच गई? कि चंडीगढ़ पुलिस दे अधिकारियों की कोई मिली भुगत है? दोष लाने वाले कहिंदे ने कि 100 करोड़ की ठगी 300 विद्यार्थियों नाल क्रिस्पी ने बीते कुछ समय दौरान मारी सी, ते हुण उस ते कार्रवाई नहीं की जा रही। सो मुड़ के फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने नाल
आई जी गौतम चीमा चर्चा च आ जाते हैं। बकायदा क्रिस्पी साढ़े नाल संपर्क करती है तो कहती है कि मैं भी इस मामले अपना पक्ष दसना चाहती हाँ। हालांकि वह कितने बैठी है, भारत च है, पंजाब च है, भारत तो बाहर है, इस बारे बिल्कुल नहीं दसिया। हाँ, खुद उन्होंने मीट राही, गूगल मीट राही साढ़े नाल संपर्क करके वीडियो कॉन्फ्रेंस राही तकरीबन 23 तो 25 मिनट जिहड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस गूगल मीट ते अज चली है थोड़ी देर पहला, जिस क्रिस्पी दसदी है कि मेरे खिलाफ़ या मेरे घर वाले दे खिलाफ़ 100 करोड़ की ठगी दी कोई FIR दर्ज है 300 विद्यार्थियों वालों, तो मैं दिखाई जाए दोष मेरे ते यह वकील ला रहे हैं। तो जो असी क्रिस्पी नूं पुछया कि वरिंदर उन्नी तुहाडे ते दोष क्यों लाउंदे ने, तां उन्हां दा कहना सी कि मामला उही पुराना है, आई जी गौतम चीमा ते जिहड़े 2 परचे करवाए हुए ने असी उन्हां दे विच साडे ते दबाव पाउण लई इह सब कुछ कराया जा रहा है। हालांकि वरिंदर ने अज की कहा, आओ असी तुहानूं इह सुणांदे हां। Vrinder Singh, and I am counsel for 700 students in a case in which they are being defrauded by a con couple namely Davinder Gill and Crispy Khera. ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਖਹਿਰਾ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਏਅਰ ਟਿਕਟਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਵੇਅਰ ਅਬਾਊਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਐਮ ਹੈਵਿੰਗ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਐਂਡ ਦ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਿੰਗ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਫੇਅਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਫਲੈਡ ਅਵੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਹੈਵਿੰਗ ਪਰਸਨਸ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦੇ ਹੈਵ ਸੈਂਡ ਮੀ ਦਾ ਫੋਟੋਜ਼ ਆਫ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਖਹਿਰਾ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ FIR ਕਰਾਈ? ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੌਡ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਟੋਟਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੱਗੇ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2500 ਹੈ, ਅਤੇ 700 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੇਸ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੋਰਟਸ ਆਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਐਂਡ ਪੰਚਕੂਲਾ। ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ? ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਕੈਨ ਗੋ ਅਪ ਟੂ 150 ਔਰ 200 ਕਰੋੜ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੰਪਲੀਕੇਟਿਡ ਤੇ ਉਹ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਕ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭੱਜੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਖਹਿਰਾ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰਿੰਦਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਡੀਆਂ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਛੱਡ, ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ, ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ? ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਦਾ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਗੌਤਮ ਚੀਮਾ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਅੱਜ ਆਈ ਜੀ ਗੌਤਮ ਚੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਚੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਮਾ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਨੇ CBI ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, CBI ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਛ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਵਰਿੰਦਰ ਉਨੀ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਪੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਮਾ ਇੱਕ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਸਰਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਤੱਕ ਸਕਦਾ ਉਹ, ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ
सेफ छुपी हुई हाँ कितने। कहती मेरे हालात इन्ने कि मैं एक साल तो अपनी 6 साल की बेटी नू स्कूल तक नहीं भेज पा रही ताकि उन्हें लैन जाना हुंदा छड्डन जाना हुंदा ते मेरी जान नू भी खतरा है। क्रिस्पी ने भी दस्या कि उन्होंने चंडीगढ़ हाई कोर्ट च प्रोटैक्शन भी मंगी हुई है ते जदों उन्हां नू प्रोटैक्शन मिल गई तो वो दुनिया सामने भी आउणगे। इस सारे एपीसोड दौरान गल जो उभर के सामने आउंदी है कि दविंदर गिल कित्थे है तां क्रिस्पी ने भी दस्या ते वैसे भी यह जग जा रहा है कि चंडीगढ़ दे विच जो परचे इमीग्रेशन फ्रॉड दे गिल ते दर्ज होए सन उन्हां विच एक साल पहला एक मामले दे विच गिल की गिरफ्तारी हुंदी है ते इस गिरफ्तारी तो बाद वह पंजाब दी रूपनगर जेल विच तब्दील कर दिते जांदे हन। चंडीगढ़ पेशी ते आ रहे ने परचा वह चंडीगढ़ दा पर कितना कितने ये दोष भी लग रहे ने कि गिल अपने आप नूं बचाउण लई जेल दे विच छुप के बैठा होया ते एडा कोई गंभीर मसला नहीं है कि उन्हूं जमानत ना मिले। सो एक बार फिर ये मामला खड़ा हो गया। एक IPS अधिकारी एक इमीग्रेशन कारोबारी दा आपस विच जो विवाद पैदा होया ये विवाद दी वजह जो भी सी वो खैर पहलू ने जिहड़े ओहो अदालतां दे विच पए ने किन्ने को हो वैलिड ने किन्ने को सच ने वो तत्थ सही किन्ने ने ये तां वक्त ही दसेगा। पर 100 करोड़ दे दोष लगना ते क्रिस्पी दा कहना कि साढ़े खिलाफ भाव उन्हां दे ते उन्हां दे पति खिलाफ जिहड़ी चार्जशीट दाखल कीती गई है वो सिर्फ 8 लाख रुपए की धोखाधड़ी दी है ना कि 100 करोड़ रुपए की। सो इहदे च सच्चा कौन है झूठा कौन है इहदा नितारा तां अदालतां ही करनगियां। पर एक बार फिर ये सवाल खड़ा हुंदा है दोनों ते IG चीमा ते क्रिस्पी खहरा ते कि एक IPS इन्ना असरदार या एक इमीग्रेशन कारोबारी करोड़ां लैके कनेडा फरार। होर नवीं ते ताज़ियां अपडेट लई जुड़े रहो तुसी साडे नाल। हुण दिओ बलजीत मरवाहा नूं इजाज़त। शुक्रिया।